हेलो गाइस, क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के लिए बिग अपडेट निकल के सीबीएसई की तरफ से आ रहा है। वो बिग अपडेट क्या है, मैं वीडियो क्लास तक में बताऊंगा कि अगर आप टेंथ और ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपके पास रोल नंबर होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास रोल नंबर अभी तक नहीं है, तो रोल नंबर कहाँ से मिलेगा वही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप सीबीएसई के वेबसाइट पे आ जाइए और जहाँ पे लिखा हुआ न्यू वेबसाइट पे क्लिक कीजिए। न्यू वेबसाइट पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से खुलता है और यहाँ पर आज ही नोटिफिकेशन आया 29 जुलाई को, इन्फॉर्मेशन अबाउट रोल नंबर फॉर टेंथ एंड ट्वेल्थ फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021। जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा एक लेटर निकलता है, नोटिफिकेशन क्या है मैं समझा दे रहा हूं आपको। नोटिफिकेशन में यह दिया गया है कि जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं या हेड हैं, ठीक है, उनको ये बताया गया है कि आप जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं टेंथ और ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं तो उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में इन्फॉर्म कर दीजिए कि यहां से आप अपना जो आपका एडमिट कार्ड है या रोल नंबर है यहां से आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि इसके बिना तो आप रिजल्ट निकाल ही नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे ये भी कह दिया गया कि अगर आप डिजी लॉकर में पहले से रजिस्टर्ड है तो वहां पे भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब बताता हूं कि जिसके पास रिजल्ट नहीं है वो कैसे रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे। जी हाँ, तो जैसे वहां पे मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे लिखा रोल नंबर फाइंड आउट 2021। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे अगर आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ टेंथ और यहाँ पे लिखा हुआ ट्वेल्थ। अगर आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट है तो ट्वेल्थ सेलेक्ट करो, टेंथ के स्टूडेंट है तो टेंथ सेलेक्ट करो। इसमें कुछ जानकारी फिल करना पड़ेगा, वही जानकारी आप इसमें फिल करें जो आपने टेंथ या ट्वेल्थ के फॉर्म भरते समय फिल किया था। जैसे आपने अगर टेंथ के स्टूडेंट है टेंथ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल मांगता है, जैसे कि कैंडिडेट नेम, आपका अगर जो नाम हो वो नाम डाल दीजिए। जैसे मान लो आपको शुभम नाम है तो शुभम डाल दीजिए, आपके फादर का जो नाम है वो डाल दीजिए, मदर्स नेम डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इतनी सी डिटेल फिल करने के पास आपके हाथ में एडमिट कार्ड हो जाएगा, रोल नंबर हो जाएगा और रिजल्ट में भी कल या परसों आने की पूरी पॉसिबिलिटी है और आप वहां से रिजल्ट देख पाओगे। ओके गाइस, तो ये अपडेट आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो भी तो वेट कर रहे हैं कि रोल नंबर हमको कैसे मिले, तो उनको भी शेयर करना। और अगर आप अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए और आप सभी को मेरा ऑल द बेस्ट।